वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 12 के लिए सबक नंबर 27 के सभी एमसीक्यूज की 100% तैयारी करवाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज चैनल की प्लेलिस्ट में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 27 एक नज़्म है। नज़्म का नाम है मुल्क बे सहरो शाम। इसके शायर हैं अमेक हनफी। तो सबसे पहले शायर के बारे में पढ़ेंगे, फिर नज़्म से मुतालिक अहम सवालात को समझेंगे और फिर लास्ट में नज़्म किसे कहते हैं इससे मुतालिक अहम सवालात को समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो सवाल नंबर एक है, अमेक हनफी की पैदाइश कब हुई, 1927 या 1928? तो अमेक हनफी की पैदाइश 1928 में हुई। अगला सवाल है, अमेक हनफी का इंतकाल कब हुआ, 1987 या 1988? तो अमेक हनफी का इंतकाल 1988 में हुआ। अगला सवाल है, अमेक हनफी कहाँ पैदा हुए, महू छावनी ज़िला इंदौर मध्य प्रदेश में, बनारस फरुखाबाद उत्तर प्रदेश में। तो अमेक हनफी महू छावनी ज़िला इंदौर मध्य प्रदेश में पैदा हुए। अगला सवाल है, अमेक हनफी का पूरा नाम क्या था, अब्दुल अज़ीज़ हनफी या अब्दुल हक हनफी? तो अमेक हनफी का पूरा नाम था अब्दुल अज़ीज़ हनफी। अगला सवाल है, अमेक हनफी की इब्तदाई तालीम कहाँ से हुई, महू या फिर बनारस? तो अमेक हनफी की इब्तदाई तालीम महू से हुई। अगला सवाल है, आला तालीम के लिए अमेक हनफी कहाँ गए, इंदौर या फिर गुजरात? तो आला तालीम के लिए अमेक हनफी इंदौर गए। अगला सवाल है, अमेक हनफी ने बीए किस उलूम में किया था, सियासत और तारीख में, मशीयत और समाजियत में? तो अमेक हनफी ने एमए सियासत और तारीख में किया था। अगला सवाल, अमेक हनफी को किस उलूम में खासी दिलचस्पी थी, फ़लसफ़े में या साइंस में? तो अमेक हनफी को फ़लसफ़े में खासी दिलचस्पी थी। अगला सवाल है, अमेक हनफी ने तवील मुद्दत तक देश में मुलाजमत की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या ऑल इंडिया रेडियो में? तो अमेक हनफी ने लंबी मुद्दत तक ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत की। 1987 में अमेक हनफी ऑल इंडिया रेडियो में किस ओहदे से सबकदोश हुए थे, स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे से रिटायर हुए थे या फिर मुदीर के? तो 1987 में अमेक हनफी ऑल इंडिया रेडियो में से स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे से सबकदोश हुए थे। अमेक हनफी का इंतकाल कहाँ हुआ था, दिल्ली या फिर इंदौर? तो अमेक हनफी का इंतकाल दिल्ली में हुआ था। अमेक हनफी के बड़े भाई अमेक हनफी देश के भी बड़े दिलदादा थे, मौसीकी यानी कि म्यूज़िक के या बागबानी के? तो अमेक हनफी मौसीकी के भी बड़े दिलदादा थे। अगला सवाल है, अमेक हनफी ने मौसीकी के फ़न की बारीकियों पर उन्होंने बहुत उम्दा देश लिखे हैं, मजामीन या फिर नावल? तो अमेक हनफी ने मौसीकी के फ़न की बारीकियों पर बहुत उम्दा मजामीन लिखे हैं। अगला सवाल है, अमेक हनफी की तनकीदी किताबें कौन सी हैं? तो शोले की शिनाख्त, शेर चीज़ें दीगरास्त, ये इनकी तनकीदी किताबों के नाम हैं। अगला सवाल है, अमेक हनफी ने अपना अदबी सफ़र देश तहरीक के उरूज के दौर से किया था। तो तरक्की पसंद तहरीक के दौर से अमेक हनफी ने अपना सफ़र स्टार्ट किया था। अगला सवाल है, अमेक हनफी के कलाम के पहले मजमूए का क्या नाम था, संगे पेराहन या संगे अस्त? तो अमेक हनफी के कलाम के पहले मजमूए का नाम संगे पेराहन था। अमेक हनफी की कौन सी नज़मों को गैरमामूली शोहरत हासिल हुई थी, तवील नज़मों को या आज़ाद नज़मों को? तो अमेक हनफी की तवील नज़मों को गैरमामूली शोहरत हासिल हुई थी। अगला सवाल, अमेक हनफी की तवील नज़में कौन कौन सी हैं, सिंदबाद, शहजाद, सयारगा, शबगश्त, सूतुन्नुकूस, सिलसिलातुल चर्स? याद रहेगा, सिंदबाद, शहजाद, सियारगा, शबगश्त, सूतुन्नुकूस, सिलसिलातुल चर्स। अगला सवाल है, अमेक हनफी के रेडियाई ड्रामों के मजमुओं के क्या नाम हैं? तो रेडियाई ड्रामे के मजमुए का नाम है आईने का कोर्स। नज़्म मुल्क बे सहरो शाम के शायर कौन हैं? तो अमेक हनफी हैं। अगला सवाल है, नज़्म मुल्क बे सहरो शाम के पहले 8 मिसरों में किस बात को बताया गया है? तो शायर ने अपनी जवानी के हालत बताए हैं या अपने लड़कपन का तस्किरा किया है? तो नज़्म मुल्क बे सहरो शाम में
स्टार्टिंग के 8 मिसरों में, स्टार्टिंग की 8 लाइनों में शायर ने अपने लड़कपन का तज़किरा किया है। अगला सवाल है, लड़कपन में किस चीज़ को देखकर शायर को शगुफ्तगी और ताज़गी महसूस होती थी? सूरज का तलू और गुरूब होते हुए देखना पहाड़ी पर पहुंचकर, पहाड़ी पर बैठकर किरणों को, परिंदों को उड़ते हुए देखना। तो सूरज का तलू और गुरूब होते हुए देखना पहाड़ी पर बैठकर लड़कपन में शायर को शगुफ्तगी और ताज़गी महसूस होती थी देखकर। अगला सवाल है, मुल्क बे शहर के दूसरे हिस्से के 7 मिसरों में शायर फिर से अपने लड़कपन की कौन सी बात कहता है? वो शाम होने से पहले किसी झील पर जाते थे, वो शाम होने से पहले किसी बाग में दरख्तों के नीचे बैठते थे। तो मुल्क बे शहर शाम के दूसरे हिस्से के 7 मिसरों में अगली 7 लाइनों में उन्होंने लड़कपन के बारे में बताया है कि वो शाम होने से पहले किसी झील पर जाते थे। अगला सवाल है, शायर कहते हैं कि जब वो झील के पानी में पांव डालकर बैठते थे तो कौन अपने ख्वाबिस्तान में जाने से पहले उन्हें शब्बा खैर कहता था, सूरज या फिर झील? तो आंसर होगा सूरज। अगला सवाल है, नज़्म मुल्क बे शहर व शाम में आखिरी के 5 हिस्सों में शायर ने किस चीज़ का जिक्र किया है, जवानी का या फिर बचपन का? तो आखिर के 5 हिस्सों में जवानी का जिक्र किया है। अगला सवाल है, अमेर खनफी नज़्म में कहते हैं कि जब उन्होंने जवानी में कदम रखा तब पता ही नहीं चलता था कि सूरज कब डेश होता है, तलू या फिर गायब? तो आंसर होगा तलू। अगला सवाल है, अमेर खनफी ने कैसे मुल्क में रहने की बात कही है जिसमें सुबह व शाम नहीं होती है, जहाँ बहुत महंगाई है? तो अमेर खनफी ने ऐसे मुल्क में रहने की बात कही है जिसमें सुबह व शाम नहीं होती है जवान होने के बाद। अगला सवाल है, अमेर खनफी को अपनी गुज़िश्ता शामें क्यों याद आती हैं? क्योंकि वो लड़कपन में बिना किसी दबाव के झील के किनारे बैठते थे। समझ में आया कि अपनी गुजरी हुई शामें अमेर खनफी को क्यों याद आती हैं? क्योंकि वो लड़कपन में बिना किसी दबाव के झील के किनारे अपनी मनमर्जी से बैठ जाते थे और अपनी मनमर्जी से उठते थे। अगला सवाल है, तपाक से क्या मुराद है, होश या गर्म जोशी? तो तपाक का मतलब होता है गर्म जोशी। अनिंदा से क्या मुराद है, नींद में मदहोश या अधजगा? तो अनिंदा का मतलब है अधजगा। शगुफ्ता से क्या मुराद है, खुला हुआ, खिला हुआ या फिर खुश या फिर ताज़ा? तो शगुफ्ता का मतलब है खिला हुआ या फिर खुश। अगला सवाल है, रूपोश से क्या मुराद है, गायब या अंदरूनी? तो रूपोश का मतलब होता है गायब। सहरे खैस से क्या मुराद है, सुबह सवेरे उठने वाला सहरे खैस कहलाता है या फिर तरोताज़ा? तो सहरे खैस का मतलब है तरोताज़ा। अब है नज़्म से मुतालिक अहम सवालात जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सवाल नंबर 1, नज़्म कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी का या ईरानी का? तो नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अगला सवाल है, लुगत में नज़्म के क्या मायने हैं, तारीफ़ करना या लड़ी में मोती पिरोना? तो लुगत में नज़्म के मायने हैं लड़ी में मोती पिरोना। अगला सवाल है, नज़्म के दूसरे मायने क्या हैं, इजहार, बयान या इंतज़ाम? इंतज़ाम, तरतीब या फिर आराइश? तो नज़्म के दूसरे मायने हैं इंतज़ाम, तरतीब या आराइश के। अगला सवाल है, अदबी इस्तिलाह में नज़्म का लफ्ज़ कितने मायनों में इस्तेमाल होता है, 2 या फिर 4? तो अदबी इस्तिलाह में नज़्म का लफ्ज़ 2 मायनों में इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है, अदबी इस्तिलाह में नज़्म के कौन से 2 मायने हैं? तो पहला मायने है कि नज़्म हमेशा नसर की ज़िद होता है, अपोज़िट होता है। जैसे कि उर्दू लिटरेचर की बुक है, इसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट है नसर का और एक नज़्म का। तो जो नज़्म नहीं है वो क्या कहलाता है, नसर है। तो ये दोनों एक दूसरे की ज़िद है, पहली बात तो ये है। दूसरी, मफहूम मखसूस और महदूद होता है नज़्म का। समझ में आया कि अदबी इस्तिलाह में नज़्म के कौन से 2 मायने हैं? पहला मायने है नसर की ज़िद है नज़्म, और दूसरा मफहूम मखसूस और महदूद है। अगला सवाल है, नज़्म शायरी की कौन सी सिंफ, कौन से प्रकार को कहते हैं? तो नज़्म शायरी के उस प्रकार को कहते हैं जिसमें किसी ख़ास मौजू पर तसलसल के साथ इजहार ख्याल किया जाए। याद रहेगा कि जिसमें किसी ख़ास मौजू पर तसलसल के साथ इजहार ख्याल किया जाए, शायरी के उस प्रकार को नज़्म कहते हैं। अगला सवाल है, नज़्म आम तौर पर किसी एक मौजू से मुतालिक होती है, ख़ास सूरतों में किसी नज़्म में एक से ज़्यादा डेश भी हो सकते हैं, मतले या मौजूआत?
तो ख़ास सूरतों में किसी भी नज़्म के एक से ज़्यादा मौजूआत हो सकते हैं। अगला सवाल है, नज़्म के लिए डैश का होना ज़रूरी है तो नज़्म के लिए मरकज़ी ख्याल का होना ज़रूरी है। पूरी नज़्म का ताना बाना किसके इर्द गिर्द घूमता है तो मरकज़ी ख्याल के इर्द गिर्द पूरी नज़्म का ताना बाना घूमता है। अगला सवाल है, तवील नज़्मों में इर्तिका वाज़ा होता है जबकि मुख्तसर नज़्मों में इर्तिका अक्सर व बेशतर एक डैश की शक्ल में होता है, तासुर की या अशार की। तो मुख्तसर नज़्मों में इर्तिका एक तासुर की शक्ल में होता है। अगला सवाल है, नज़्म की खसूसियात की बिना पर कहा जाता है कि उर्दू में गज़ल के अलावा शायरी के जितने भी इसनाफ यानी कि जितने भी प्रकार हैं वो सब डैश हैं। समझ में आया कि उर्दू में गज़ल के अलावा शायरी की जितनी भी कैटेगरीज होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? नज़्म कहलाती हैं। अगला सवाल है, सिन्फ़ी सुखन यानी कि शायरी के लिहाज से नज़्म की इस्तिलाह एक जदीद तस्वीर है, इसलिए अक्सर नज़्म के लिए डैश की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। नज़्म जदीद या नज़म हुस्न, तो सिन्फ़ सुखन यानी कि शायरी के लिहाज से नज़म की इस्तिलाह एक जदीद तस्वीर है, तो इसके लिए नज़म जदीद की इस्तिलाह नज़म जदीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। हय्यत के एतबार से नज़म की कितनी किस्में होती हैं? तो हय्यत के एतबार से नज़म की 3 किस्में होती हैं। अगला सवाल है, ऐसी नज़म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफियों की तरतीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की जाती है तो ऐसी नज़मों को क्या कहते हैं? तो जिस नज़म में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की जाती है ऐसी नज़मों को पाबंद नज़म कहते हैं। अगला सवाल है, ऐसी नज़म जिसके तमाम मिसरे वज़न के लिहाज से बराबर होते हैं मगर काफिया नहीं होता है तो ऐसी नज़म को क्या कहते हैं? तो ऐसी नज़म को मुअर्रा नज़म कहते हैं। अगला सवाल है, ऐसी नज़म जिसमें ना तो काफियों की पाबंदी की गई हो और ना ही बहर के इस्तेमाल में मुरव्वजा उसूलों का लिहाज रखा जाता है ऐसी नज़म को क्या कहते हैं? तो जिसमें मुरव्वजा उसूलों की पाबंदी नहीं की जाती है नज़म में ऐसी नज़म को आज़ाद नज़म कहते हैं।